गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द कल्पना सिद्धि अध्याय ऑफ सिद्धि स्थान ऑफ चरक संहिता। तो इन अवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड द कर्मकाल योगवस्ती। इन टुडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट द सुरविरेचन। तो एज द श्लोकास हैज गिवन इन चरक संहिता सिद्धि स्थान फर्स्ट चैप्टर 15 श्लोक विशुद्ध कायस तत्क्रमेण। विशुद्ध कायस मीन्स इन द पर्सन हु हैज ऑलरेडी प्यूरिफाइड बाय द पंचकर्मा। तत्क्रमेण इन दैट पर्सन यू शुड फॉलो स्निग्धम तल स्वेदितम। स्निग्धम मतलब अभ्यंगा, दैट इज फेस मसाज, फॉलोड बाई तल स्वेदितम। तल स्वेदितम मतलब फोमेंटेशन बाय द पाम, हॉट पाम। तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ कर स्वेद इन कश्यप संहिता इन बालका, बट इन केस ऑफ द अडल्ट वन इन द रेफरेंस ऑफ कर स्वेद इज नॉट अवेलेबल, बट द रेफरेंस इज तल स्वेदितम। यू शुड हीट यूर पाम विद समवन रविंग और बाई द हीट, एंड देन यू शुड अप्लाई दैट हॉट पाम ऑन द फेस ऑफ दैट पर्सन, दैट इज उत्तमांगम। उत्तमांगम मतलब हेड एंड नेक रीजन। तो इन ए पर्सन हु इज ऑलरेडी प्यूरिफाइड बाई द पंचकर्मा, इन दैट पर्सन देर शुड बी द मसाज ऑफ हेड एंड नेक फॉलोड बाई द फॉर्मेंटेशन। विरेचिये तिरधीरथ एक शो, डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोषा, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाता पित्ता कफा, यू शुड गो फॉर 3 times, 2 times एंड सिंगल टाइम्स रुविरेचन। तो इन ए पर्सन हु इज ऑलरेडी प्यूरिफाइड बाय द पंचकर्मा, यू शुड गो द स्नेहन, दैट इज अभ्यंगा फॉलोड बाय द स्वेदन, एंड देन यू शुड गिव द रुविरेचन फॉर 3 times, 2 times एंड 1 time डिपेंडिंग ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाता पित्ता एंड कफा। देन वी विल सी व्हाट इज द सम्यग योग, आयोग एंड अति योग ऑफ रुविरेचन। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द सम्यग योग ऑफ रुविरेचन, व्हाट हैपन एक्चुअली इन सुरवेचन, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके हेड एंड नेक में दोष है इसलिए उसको निकालने के लिए आप सुरवेचन दे रहे हैं। तो अगर सुरवेचन का सम्यक योग होगा तो क्या होगा, हेड एंड नेक रीजन के जो दोष थे वो बाहर आ जाएंगे। व्हेन दे विल कम आउटसाइड देन पेशेंट विल फील लाइटनेस, लाइटनेस इन द हेड एंड नेक रीजन। जब पेशेंट को लाइटनेस लगेगा तो हेड एंड नेक नीचे का जो स्रोतस है वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हेड एंड नेक में ही सारे सेंसेस रखे हुए हैं, इसलिए इंद्रिय प्रसारण होगा। इसलिए आपको रटना कुछ नहीं है, स्रोतस दोष हेड एंड नेक रीजन से निकले इसलिए हेड एंड नेक रीजन क्लीन हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। हेड एंड नेक रीजन के जो स्रोतस है वो क्लियर हो जाएंगे, और जो सेंसेस हैं हेड एंड नेक रीजन में रखी हुई हैं, दैट इज इंद्रिय प्रसादनम। अब हम बात करते हैं आयोग की। तो सम्यक योग में क्या हो रहा था, जो दोष थे वो बाहर निकल रहे थे, आयोग में दोष बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि दोष बाहर नहीं निकल रहे इसलिए हेड एंड नेक रीजन में हैवीनेस रहेगा। द टर्म इज सिडसो गुरुत्वम। एंड वॉट विल हैपन, देर इज इन स्लोक देर इज संस्कृत टर्म गल उपलेप। वॉट डू मीन बाई गल उपलेप, गल उपलेप मीन्स देर इज चिपचिपाहट इन योर थ्रोट। तो जो आपका थ्रोट रीजन है उसमें चिपचिपाहट रहेगी, और गल उपलेप, और जब चिपचिपाहट रहेगी तो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट उसको थूकने की कोशिश करेगा, दैट इज निस्थीवनम। तो आपको रटना नहीं था, क्योंकि दोष बाहर नहीं निकले इसलिए सिर में हैवीनेस थी, दोष अंदर ही रुके थे इसलिए गले में चिपचिपाहट थी, और पेशेंट का मन करेगा कि वो थूक थूक के उसको दोष को बाहर निकाले। तो गल उपलेप, निस्थीवनम एंड सिरसो गुरुत्वम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अतियोग ऑफ सुरवेचन। सुरवेचन के अतियोग में क्या हो रहा था, कि जो दोष आपके सुरवेचन में क्या है, आंख नाक कान सब उत्तमांग में स्थित है, तो आपका आंख नाक कान इन सब में क्या होगा, ए शॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, दैट इज आरती, श्रवण आरती, सिरो आरती, अच्छी आरती एंड संख आरती। संघ मतलब टेम्पोरल रीजन। तो आपके सिर में आरती, आपके अच्छी में आरती, आपके श्रवण में आरती और आपके संख में आरती, दैट इज नॉट आरती, दैट इज आरती। आरती मतलब ए शॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट। देर मे बी द तोद, तोद मतलब प्रिकिंग पेन, देर मे बी प्रिकिंग पेन इन द हेड, प्रिकिंग पेन इन द आई, प्रिकिंग पेन इन द ईयर, प्रिकिंग पेन इन द टेम्पोरल रीजन। Along with this, you will see timir. What do you mean by timir? Timir is a Sanskrit term. There is a disease that is explained in Salakya Tantra in the 4th year. The timir means cataract. The patient is unable to see. तो आपको रटना नहीं था, आपको बस सोचना था कि सुरवेचन कहाँ हो रहा था, सिर में, इसलिए सुरवेचन से दोष बाहर निकल रहे थे इसलिए लाइटनेस आ रही थी, स्रोतस क्लियर हो रहे थे और सेंसेस अच्छे से काम कर रही थी। जब दोष नहीं निकल रहे थे तो हैवीनेस थी, गले में चिपचिपाहट थी और थूकने का मन कर रहा था, इट इज निस्टीवनम। जब दोष बहुत ज़्यादा निकलेंगे तो ए शॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट रहेगा, प्रिकिंग पेन रहेगा। अलॉन्ग विद दिस पेशेंट विल सी द तिमिर, तिमिर मतलब अनेबल टू सी, दैट इज अ कंडीशन कैन बी कंपेयर विद द कैटरेक्ट। तो दैट इज सुरवेचन के सम्यक योग, अतियोग और आयोग। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन द सुरवेचन के अतियोग और आयोग। अगर आयोग हो रहा है तब हम क्या करेंगे, आयोग में दोष बाहर ही से निकले नहीं थे, तो आप दोबारा से उसका मसाज और फॉर्मेंटेशन देने के बाद दोबारा से सुरवेचन कराएंगे ताकि दोष बाहर निकले। किसके केस में, आयोग के केस में। अतियोग में क्या करेंगे, अतियोग में आप तर्पण देंगे, क्या देंगे, तर्पण, किससे, मृदु और द्रव द्रव्यों से। तो जब अतियोग हो रहा है तो आप मृदु और द्रव द्रव्यों से तर्पण देंगे, मतलब पेशेंट को जूस या ठंडा दूध पीने के लिए देंगे,
किसमें? अतियोग में। आयोग में क्या करेंगे, आप दोबारा से मेडिसिन देने के बाद सेरेब्रेशन फिर से कराएंगे, दैट इज इन केस ऑफ अतियोग और आयोग आपको क्या करना है। नेक्स्ट वी विल सी द परिहार काल। तो व्हाट डू यू मीन बाय द परिहार काल? तो परिहार काल वो समय होती है, समय अवधि होती है कि जिस समय, जिस ड्यूरेशन के लिए आप वमन ब्रेचन फॉलो कर रहे हैं। सपोज अगर 16 दिन का प्रोसीजर था तो आपको जो परिहार काल के जो टाइमिंग्स है वो 32 डेज तक आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन दैट शुड बी फॉलोड, स्ट्रिक्टली फॉलोड व्हाइल फॉलोइंग द पंचकर्मा, दैट इज परिहार काल। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द परिहार काल इज द डबल ऑफ द नंबर ऑफ द डेज ऑफ पंचकर्मा। ठीक है, इसमें क्या है, दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, श्लोक इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपको नहीं याद करना है तो आपको फाइनल ईयर में करना पड़ेगा पंचकर्म टाइम याद। श्लोक क्या कहता है, श्लोक कहता है अति आसन स्थान वाचांसी, अति आसन स्थान वाचांसी प्रयोगो बल आयुषो अवृद्धि। तो अति आसन मतलब एक जगह बहुत देर तक बैठना नहीं है, अति स्थान एक पोजीशन में एक स्टैंडिंग पोस्चर या किसी भी पोस्चर में बहुत जगह तक खड़े नहीं होना है, वाचांसी अति वाचांसी बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है, अति यानम बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, अतस्वप्नम दिवाम डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, दिन में नहीं सोना है। जब आप पंचकर्म करते हैं, जब आप स्नेह पान का प्रयोग करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आती है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप दिन में जगें, क्योंकि उस समय कुछ करना नहीं होता, ऑफिस जाना नहीं होता, तो मन करता है बस सो जाओ, लेकिन आपको दिन में नहीं सोना है, दैट इज दिवा स्वप्न। मैथुनम वेग रोधनम, तो ना तो आपको सेक्स करना है और ना ही आपको अपने आते हुए वेगों को रोकना है। शीत उपचारत, किसी भी ठंडी चीज़ से एक्सपोजर, सुबह सुबह बाइक पे बाहर निकल जाना या फिर ठंडे पानी से नहाना, स्विमिंग करना, कोई भी शीत उपचार का सेवन मना है। आतप धूप का सेवन मतलब सन एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट, दैट इज आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अलॉन्ग विद दिस देयर इज रोष, शोक एंड रोष, तो ना तो गुस्सा होना है और ना ही जो है आपको शोक करना है। कालम अहितम भोजनम, और अनटाइमली इम्प्रॉपर भोजन नहीं करना है, जो डाइट आपको पंचकर्म के हिसाब से बताई गई है वही डाइट का आपको फॉलो करना है। तो ना तो एक जगह बैठना था, ना एक जगह खड़ा होना था, ना बहुत ज़्यादा बात करनी थी, ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना था, ना दिन में सोना था, ना मैथुन करना था, ना वेगों को रोकना था, ना ही ठंडे चीज़ों से एक्सपोजर लेना है और ना ही सनलाइट का एक्सपोजर लेना है। अलॉन्ग विद दैट अकाले अहित भोजनम इज द स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड बाय परफॉर्मिंग द पंचकर्मा। दीज आर नॉट थियोरिटिकल, दीज आर द वेरी वेरी प्रैक्टिकल। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता लगेगा इन चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये फॉलो नहीं करता है, अगर सपोज पेशेंट सुबह सुबह अपने घर से ओपीडी में आ रहा है आपके स्नेह पान करने के लिए और वो अपने कानों में रुई लगा के नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि शीत उपचारात मतलब ठंडी चीज़ों का एक्सपोजर नहीं करना है, बाइक से आ रहा है कानों में रुई लगा के नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? तो जो आप स्नेह पान कर रहे हैं तो स्नेह पान के समय के लक्षण नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक है कि बस्ती जो है जल्दी क्यों आ जाती है और कभी कभी देर से क्यों रुकती है। तो बस्ती बहुत देर तक रुकेगी, उसका प्रत्यागमन काल हम पढ़ चुके हैं, अनुवासन बस्ती का प्रत्यागमन काल 9 आस 3 आम है और आस्थापन बस्ती का 1 मुहूर्त है। हो सकता है वो इस टाइम से ज्यादा रुके, क्यों रुकेगी? अगर आपने जो बस्ती द्रव्य दिया है वो बहुत ज्यादा कम अमाउंट में, मतलब रिक्वायरमेंट 60 ml की, आपने 20 ml दिया, तो बस्ती द्रव्य की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम है, वस्ती द्रव्य जो है वो बहुत ज़्यादा मंद नेचर का है, तो और वस्ती द्रव्यों का आलेप हो चुका है, कफ ने उसका आवरण कर लिया है। तो ये 3 कंडीशन है, वस्ती द्रव्य का अमाउंट कम था, वस्ती द्रव्यों की पोटेंशी बहुत कम थी और वस्ती द्रव्यों का कफ की वजह से आलेप हो गया। तो एक तो अमाउंट कम था, पोटेंशी कम थी और कफ ने आवरण कर लिया, तो इसकी वजह से वस्ती द्रव्य जो आपने अंदर दिए थे वो अंदर ही रुक जाएंगे, बाहर टाइमली बाहर नहीं आएंगे। अनुवासन वस्ती के केस में 3 आम और आस्थापन वस्ती के केस में 1 मुहूर्त। दिस इज वाई वस्ती डिलेड, और वस्ती कभी कभी जल्दी आ जाती है क्योंकि वस्ती जो द्रव्य है वो बहुत ज़्यादा आपने उष्ण दे दिए, तीक्ष्ण दे दिए, मृदु कोष्ट में दे दिए। आपने नॉर्मल डोज दी थी लेकिन पेशेंट का जो कोष्ट था वो मृदु था, तो वो नॉर्मल डोज भी मृदु कोष्ट के लिए ज़्यादा का काम करेगी। तो उष्ण वस्ती दी, तीक्ष्ण वस्ती दी, मृदु कोष्ट के व्यक्ति में दे दी बिना डोज डिसाइज किए, तो इन केस में क्या होगा, जैसे ही आपने वस्ती दी वस्ती द्रव्य वैसे ही बाहर आ जाएंगे। तो साउथ में क्या होता है कि आपने देखा है ना आईवी फ्लूइड में क्या लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं ना, तो साउथ में वस्ती जो दी जाती है वो भी ड्रिप मेथड से दी जाती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्योंकि बस्ती बहुत तीक्ष्ण होती है कुछ चीज़ों के केसेस में। तो पेशेंट को जैसे ही बस्ती दी, जैसे ही आपने बस्ती दी, विद इन ए सेकंड पेशेंट बोलेगा मेरे को मोशन पास होने वाला है, तो सारा बस्ती का मैटर बाहर निकल जाएगा। तो साउथ में क्या करते हैं, ड्रिप बाय ड्रिप बस्ती का प्रयोग करते हैं, मतलब बूंद बाय बूंद बस्ती के द्रव्य जो है उसके रेक्टम में जाएंगे, और जिसकी वजह से जब तक पेशेंट रेक्टम फिल नहीं होगा तब तक पेशेंट को वेग नहीं पास होगा। अगर वो 15 मिनट 10 मिनट भी रिटेन कर पाता है तो 15 मिनट 10 मिनट में भी जो आपने बस्ती द्रव्य दिए थे वो एब्जॉर्ब होकर अपना काम करेंगे।
तो दैट इज ड्रिप मेथड ऑफ बस्ती, जो साउथ में आजकल प्रैक्टिकली फॉलो किया जाता है. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक ऑफ द कल्पना सिद्धि अध्याय. तो आज हम पूरा कर चुके हैं कल्पना सिद्धि अध्याय. तो जो आज तक के अभी तक 13 टॉपिक्स मतलब 13 क्लासेस मैंने ली हैं कल्पना सिद्धि अध्याय पढ़ने के लिए, आप एक बार उसको गो थ्रू वन वाइज करिए, पूरे चैप्टर को समझिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं. कल हम कल्पिस्तान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.